बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स 10th का चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इससे पहले बेटा हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड होता है, तब इंड्यूस्ड होता है जब उस कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उनमें चेंजिंग है। ठीक है बेटे? बेटा मैं फिर से बता दूं कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट है वो तभी इंड्यूस्ड होगा जब उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनकी तादाद में चेंजिंग आए, उसकी तादाद में तब्दीली आए। करंट इंड्यूस्ड होगा, कैसे इंड्यूस्ड होगा? बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि जब उसमें से कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं, जो पास हो रही हैं, अगर उनमें कोई चेंजिंग आती है तो करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है बेटा? अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रख दें, उसे कोई हरकत ना करवाएं, ना मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आए, ना ही हम उस कंडक्टर को मूव करवाएं, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट तभी इंड्यूस्ड होगा जब उस कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनकी तादाद में तब्दीली आए। ठीक है? तभी करंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा। बेटा करंट इंड्यूस्ड जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर बेटा जो चेंज है, चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। इसलिए बेटा हम कह सकते हैं कि जब भी इंड्यूस का जिक्र आए, जब भी करंट इंड्यूस का जिक्र आए, आप तो आप समझ जाएं कि वहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है? यहां पर जो इंड्यूस करंट होगा वो किसकी वजह से होगा? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से। ठीक हो गया बेटा? इसे हमने बहुत अच्छे से पहले पढ़ लिया था, इसके बारे में हमने जान लिया था कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उसमें से पास कर रही हैं कंडक्टर में से वो किस तरह से चेंज करवा सकते हैं। बेटा उसे हम फिर से दोहरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा कि ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है और ये मेरे पास एक सोलेनाइड है। ठीक है? अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, इस को बार मैग्नेट को इस सोलेनाइड के करीब रख देता हूँ, इन दोनों में से किसी को भी मूव नहीं करवाता मैं, इन दोनों को मैं रेस्ट में रखता हूँ, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। करंट तभी इंड्यूस्ड होगा जब मैं क्या करूँ, इसको बार मैग्नेट को मूव करवाऊं या इस कंडक्टर को मूव करवाऊं, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इस सोलेनाइड में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो चेंज होंगी। जब मैं करीब लेके आऊंगा या इसको दूर लेके जाऊंगा, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उनकी तादाद क्या होगी? चेंज होगी, तब्दील होगी। ठीक है बेटा? अब बेटा हम जो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, या हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है, उसे दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। एक तो बेटा मोशन, क्या कि अगर हम इस बार मैग्नेट को इसके करीब लेके आते हैं, जब करीब लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जब मैं इसे दूर लेके जाऊंगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ठीक है? अगर बेटा मैं इसे इसके करीब लेके जा रहा हूं, इस बार मैग्नेट को इस सोलेनाइड के करीब लेके जा रहा हूं, तो मेरे जो बार मैग्नेट की डायरेक्शन है मोशन की वो क्या है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, ठीक है, इस बार मैग्नेट को इस सोलेनाइड से दूर लेके जाता हूं, तो क्या होगा? बार मैग्नेट की जो मोशन की डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ठीक है? जब मैं करीब लेके जा रहा हूं तो डायरेक्शन ये, जब मैं इससे दूर लेके जा रहा हूं तो बार मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ठीक है बेटा? इसको जहन में रखिएगा। अगर तो बेटा इसी तरह जब मैं करीब लेके आता हूं तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो क्या होती जाएंगी? इंक्रीज होते जाएंगी। जैसे जैसे मैं इसके करीब लेता आऊंगा तो इस सोलेनाइड में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनकी तादाद क्या होगी? बढ़ती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती जाएगी। अगर बेटा इसे मैं दूर लेके जाता हूं तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी उनकी तादाद में क्या आएगी? कमी आती जाएगी। ठीक है? जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास हो रही हैं उसमें भी क्या आता जाएगा? चेंजिंग आती जाएगी। इसी तरह बेटा अगर तो मैं सोलेनाइड के करीब लेके जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास हो रही हैं वो इंक्रीज होंगी, अगर मैं दूर लेके जा रहा हूं तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पास हो रही हैं उनकी तादाद क्या होगी? डिक्रीज होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। अब बेटा जरा गौर करें कि जब मैं सोलेनाइड को इसके करीब लेके जाता हूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इसमें करंट भी इंड्यूस्ड होगा, तो बार मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है? ये
जब मैं इससे दूर लेके जाता हूं तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट इंड्यूस्ड होगा। अब मैं इसे दूर लेके जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं इसके करीब लेके जाता हूं या दूर लेके जाता हूं, दोनों केसेस में ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा। ठीक है। अब बेटा इसी तरह जब मैं इसे करीब लेके जाता हूं, जैसे जैसे मैं इसके करीब लेके जाता हूं तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है बेटा, उनकी तादाद में क्या आता जाएगा? इंक्रीज आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे करीब लेके जाऊंगा उनमें नंबर ऑफ लाइंस जो इसमें से पास हो रही हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी, जैसे दूर लेके जाऊंगा तो इसमें से नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो कम होती जाएंगी जो इसमें से पास हो रही हैं। अब बेटा इसे जरा जहन में रखिएगा, इसका मतलब ये है कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसकी एक डायरेक्शन नहीं होगी। जब हम बार मैग्नेट को इसके करीब लेके जाते हैं या इससे दूर लेके जाते हैं तो क्या होगा? करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, जैसे बार मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है बेटा। उसी डायरेक्शन को आज हम जानने वाले हैं कि उस कंडक्टर में जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की वो क्या होगी। वो है बेटा आज का हमारा टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। उसके लिए बेटा जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ दिया, हेनरिच लेंज थे, उनके नाम पे ये लॉ है। तो इस लॉ को हम बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 13-14 में हमने ये डिस्कस किया था कि गलवानोमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है करंट को। कि किसी भी अगर कंडक्टर में से या किसी भी सर्किट में से अगर करंट, कुछ करंट गुजर रहा हो तो ये गलवानोमीटर क्या कर लेगा, उसे डिटेक्ट कर लेगा, उसका पता चला लेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारा गलवानोमीटर है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंटर होता है। अगर तो बेटा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सर्किट है, इसमें से अगर कोई करंट पास नहीं कर रहा, अगर इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा, अगर करंट हमारा जीरो है, तो ये जो पॉइंटर है, ये गलवानोमीटर का ये जो पॉइंटर है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। अगर हमारा करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारे जो गलवानोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन होगी, उसके पॉइंटर की क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी, वो क्या करेगा, हरकत में आएगा। इसी तरह बेटा अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दे, इसमें क्या था करंट की डायरेक्शन ये थी, इसमें क्या है करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है इस नीडल में, इस पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन है ये भी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। एक बात बेटा ये हमने सीख ली। दूसरी बात बेटा हम ये जानते हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं, मतलब के नॉर्थ और नॉर्थ, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह जो अनलाइक पोल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जो लाइक पोल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा हम आते हैं अपने लॉ पे। बेटा लेंज लॉ क्या है, कि ये लॉ ये हमें बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कि जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, कि जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज, कि वो क्या करेगा, हमेशा अपोज होगा, खिलाफ होगा, किसके खिलाफ होगा, द कॉज दैट प्रोड्यूसेस, जो इसे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जो करंट इंड्यूस कर रहा है उस कॉज के, उस जिम्मेदार के क्या होगा, हमेशा खिलाफ होगा। बेटा मैं फिर से बता दूं, ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो हमेशा क्या होगा, अपोज होगा, खिलाफ होगा, किसके खिलाफ होगा, जो उसे जनरेट करवा रहा है, जो उसे क्या कर रहा है, जनरेट करवा रहा है। फॉर एग्जांपल बेटा ये सोलेनाइड क्या करता हूं कि इस बार मैग्नेट को मैं इसके करीब लेके जाता हूं तो इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। अब ये जो करंट इसमें इंड्यूस होगा, जो इसमें से करंट होगा, वो जब करंट जो है वो क्या करेगा, इस सोलेनाइड के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या कहा बेटा मैंने, जब मैं इस बार मैग्नेट को करीब लेके जाता हूँ इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसके अपोज जाएगी, इसके खिलाफ जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा, कि जब मैं इसे इसके करीब लेके जाऊँगा, ये नॉर्थ पोल है तो ये सोलेनाइड क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अब ये बार मैग्नेट क्या कर रहा है, इसके करीब जाना चाह रहा है, इसके करीब जा रहा है, लेकिन ये सोलेनाइड क्या कर रहा है, इसे परे धकेल रहा है,
इसे कह रहा है कि भाई नहीं मेरे करीब नहीं आना आपने, ठीक है, तो इसको मैं इसके करीब लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये सोलेनाइड क्या कर रहा है, इसे रिपेल कर रहा है, बिल्कुल उसके अपोज जा रहा है। जब बेटा इसको मैं दूर लेके जाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा कि नहीं भाई कहीं नहीं जाना, आप इधर आओ, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसे इसके करीब लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, जब इसे मैं दूर लेके जाऊंगा तो इसे क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बेटा, ये हमेशा क्या होगा, उसके अपोज होगा। बिल्कुल इसी तरह बेटा ये कब मुमकिन है, ये कब मुमकिन है कि जब हम इसे करीब लेके आए तो ये इसे क्या करे, रिपेल करे, जब ये वाला एंड जो है सोलेनाइड का वो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करे, तभी क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, परे धकेलेगा इसको, जैसा कि अभी हमने जाना कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब मैं करीब लेके आऊंगा तो ये सोलेनाइड क्या करेगा, इसे धकेलेगा, इसे रिपेल करेगा, मतलब सोलेनाइड का ये एंड जो है ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, जब मैं इसे दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ये सोलेनाइड तभी कर सकता है जब इसका ये एंड जो है ये एज अ साउथ पोल बिहेव करे, तो ये साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बेटा अगर हम देखें कि अगर मैं इस बार मैग्नेट को इस सोलेनाइड के करीब लेके आता हूं तो इस सोलेनाइड में करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो जो हमारा गलवानोमीटर है उसका जो पॉइंटर है वो एक तरफ क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, और ये सोलेनाइड क्या करेगा, इसके अपोज जाएगा। ये बार मैग्नेट क्या कर रहा है, इसके करीब आ रहा है, लेकिन ये सोलेनाइड क्या करेगा, इसके अपोज जाएगा, इसे रिपेल करेगा। इसे रिपेल तभी कर सकता है अगर इसका ये वाला एंड जो है ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करे, ये एंड एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करे। तो बेटा हम राइट हैंड रूल के ग्रिप रूल के मुताबिक अगर हम जाने कि जो हमारी ये मुड़ी हुई उंगलियां होंगी ये किसे शो करेंगी, करंट की डायरेक्शन को, ये किसे शो करेगा, नॉर्थ पोल को शो करेगा। इसका मतलब अगर ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बेटा इसी तरह अगर हम इस बार मैग्नेट को इस सोलेनाइड से दूर लेके जाते हैं तो क्या होगा, जब हम दूर लेके जाएंगे, हमने पहले भी जिक्र किया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट इंड्यूस्ड होगा। जब मैं इसे दूर लेके जाऊंगा तो ये सोलेनाइड क्या करेगा, इसे अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा, इसे अपनी जानिब खींचेगा। ये तभी मुमकिन है अगर ये वाला एंड इसका एज अ साउथ पोल बिहेव करे, एज अ साउथ पोल बिहेव करे, और ये एंड क्या होगा, एज अ नॉर्थ पोल। तो हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन, ये मेरी मुड़ी हुई उंगलियां क्या कर रही हैं, करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी, और ये जो मेरा थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को शो करेगा कि नॉर्थ पोल जो है वो इस तरफ है। ठीक हो गया बेटा। बेटा ये हमारा बिल्कुल आसान सा जो है टॉपिक था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे बेटा मैं फिर से बता देता हूं कि ये लॉ क्या बताता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो करंट हमेशा अपने कॉज के खिलाफ जाएगा, उसके अपोज होगा। अब बेटा यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रहा है या करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस बार मैग्नेट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ये सोलेनाइड क्या करेगा, इसमें जो बहने वाला करंट होगा वो हमेशा इसके अपोज होगा, इसके खिलाफ जाएगा, ठीक है। वो खिलाफ कैसे होगा बेटा, ये तभी मुमकिन है, इसके अपोज ये आ रहा है, इसके करीब आना चाह रहा है, ये सोलेनाइड इसे धकेलेगा, ठीक है। ये तभी मुमकिन है अगर इसका ये वाला एंड जो है ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करे। अगर ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा तो ये एंड क्या होगा, एज अ साउथ पोल। ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर बेटा इसी बार मैग्नेट को हम दूर लेके जाते हैं तो क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी चेंज हो जाएगी, और इसका इस सोलेनाइड का ये जो एंड होगा ये एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा, और इसे क्या करेगा, बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह ये जिद करेगा, इसके अपोज जाएगा, और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करके इसे क्या करेगा, अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो ये तो था बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक लेंज लॉ, और इसमें हमने क्या सीखा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि जो करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर बेटा इस पूरे सिस्टम पे अगर हम क्या करें, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
बेटा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कि कंजर्व्ड हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, क्या कोई भी हमारा सिस्टम है उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर हम इस अपने इस सिस्टम पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं तो क्या है कि जो हम हमारी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही है लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब देखिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बार मैग्नेट को इस सोलेनाइड के करीब लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और ये सोलेनाइड में जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है ये इसे क्या करेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसे क्या करेगी, बार मैग्नेट को रिपेल करेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, उस रिपल्शन के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं इस बार मैग्नेट पे कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कुछ एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, वो एनर्जी क्या करवा रही है, इस सोलेनाइड में करंट इंड्यूस करवा रही है। इसी तरह जब मैं इसे दूर लेके जाता हूँ ये सोलेनाइड क्या करेगा, इस बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर एनर्जी लगा रहा हूँ और मेरी एनर्जी की वजह से फिर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, हमारी एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन हमारे सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या होगा कि एनर्जी फॉर्म चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बेटा, ये था बेटा हमारा टॉपिक डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गया हो। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फीम